आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, TMT न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आमना खान। नई सरकार के प्रदेश में दस्तक के बाद किसानों को 2 लाख तक के कर्ज माफ करने की घोषणा का चौतरफा शोर है, लेकिन विदिशा जिले में कर्ज माफी के नाम पर करोड़ों का चूना लगाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार शमशाबाद सहकारी समिति बर्धा के ग्राम बरखेड़ा माकू के पंचायत भवन स्थित ई कक्ष में लगी सूची को देखकर किसान परेशान हो रहे हैं। दरअसल किसानों ने शहर के शासकीय बैंकों से हजारों में कर्ज लिया था, मगर सूची में उनके नाम पर लाखों का कर्ज दर्शाया जा रहा है। अधिकारी बोल रहे हैं कि कंप्यूटर की गलती से, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कंप्यूटर ने कर्ज को ज्यादा क्यों बताया, किसी का कम कर्ज भी तो बताया जा सकता था। किसानों की माने तो कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जो कभी बैंक तक नहीं गए, फिर भी उनके नाम पर लाखों का कर्ज कैसे आ गया। एक किसान तो नाबालिग है, जबकि नाबालिग कैसे कर्ज ले सकता है। ऐसे मामले सामने आने के बाद शासकीय अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। गुस्साए किसानों ने पूरे मामले से कलेक्टर को भी अवगत कराया, मगर कलेक्टर द्वारा भेजे गए जांच दल ने भी महज एक औपचारिकता पूर्ण कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। 3-4 साल पहले 20,000 रुपए लिए थे सर, वैष्णो देवी जाने के लिए पैदल यात्रा करने के लिए सर, जरूरत पड़े इस पैसे, आषाढ़ में गए थे सर, 15-14 करीब होगा, 15 ही होगा सर, लेकिन 57,000 रुपए पैसे आ गए सर का। बीमा भी आया जो आज तक उसमें कहला है सब कट जाएगा, वो भी नहीं मिला है सर। हाँ, तो 20,000 रुपए सर, 57,000 रुपए है सर, पन्नी कम हो जाए सर, और क्या जो है मूल रकम बहुत इजोलेट है। यही समस्या है कि 1,45,000 के 1,63,000 एक जगह हैंगे, 1,82,889 एक जगह। लोन कितना लिया था? 1,75,000। और लिस्ट में नाम कितने का आ रहा है? 2.5 लाख। क्या चाहते हो आप? कर्जा पूरा हम भरी हो जाए जो चाह। सोसाइटी बैंक से कर्जा लिया था, अमर सिंह श्री भमर जी के नाम से, हमारे पिताजी हैं वो। अच्छा, ये 8 बीघा कुल जमीन है हमारी, 8 बीघा पे 80-82 हजार रुपए लाए थे, 3,25,000 है। लोन कितना लिया था? लोन लिया था हमने, 60,000 नगद लिए थे और 20,000 खाद लिया था, यहाँ से 72,000 करीब थे कुछ। वहाँ में 3 लाख से ऊपर है। क्या मानते हैं लोन कैसे बढ़ गए? अब हमें कब तो कैसे, हम तो जान ही नहीं सके कैसे बढ़ गई। जो चाहते हैं वो वही मुकाम भेजा और का। लोग जो शिकायत कर रहे हैं उनको जांच में लेके उसकी जांच कार्रवाई की जा रही है। किसानों से अनुरोध किया जा रहा है कि आपको जो भी आपकी शिकायत है हमें लिखित में हमारा सहयोग करें ताकि उसकी जांच कर कार्रवाई की जा सके। लगभग अब तक कितना अंतर राशि में आया जो किसानों ने आपको बताया? नहीं, ऐसा उन्होंने राशि बताई जो उसमें ले लिया गया है रिकॉर्ड में कि हमने इतनी राशि ली, लेकिन इतनी राशि निकल रही है। कुछ लोगों को ये भी नहीं अंतर, अलग अलग किसान की अलग अलग राशि है, कोई बराबर बराबर राशि नहीं है किसी की। किसी का 25,000 है तो कोई कह रहा है हमने 15,000 लिए, कोई कुछ बोल रहा है। तो किसानों से यही अनुरोध है कि आप अपनी बात लिखित में बताएं और हस्ताक्षर करके दें ताकि आपके रिकॉर्ड से और जो आपको लोन वितरण के समय में जो दस्तावेज आपके हस्ताक्षर से तैयार किए गए उसका मिलान करके वास्तविक स्थिति ज्ञात की।